दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप भी अपने राशन कार्ड में अपने ईकेवाईसी का स्टेटस चेक कर रहे हैं, आपको वहां पर नॉट वेरीफाइड देखने को मिल रहा है, तो आज इस वीडियो में आपको हम कम्प्लीट और सही स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड में अपने घर बैठे ही कैसे अपना ईकेवाईसी कर सकते हैं, कैसे जो नॉट वेरीफाइड देखने को मिल रहा है उसको कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कम्प्लीट और सही स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप अपने राशन कार्ड में अपने ही केवाईसी को करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ आपको टाइप करना है मेरा राशन 2.0, इतना लिखना है, लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये जो ऐप आपको देखने को मिल रहा है इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ओपन का ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पहले हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है, उसके बाद आपको कैसे केवाईसी करनी है, सब कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ अलाउ करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी यूजर्स डिपार्टमेंट्स यूजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट्स यूजर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आधार नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड को टाइप करना है। इसके बाद आपको नीचे देखने मिलता है लॉग इन विथ ओटीपी का एक ऑप्शन, आपको अब जैसा आप देख सकते हैं डिटेल को फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद लॉग इन विथ ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके आपके अकाउंट में आपके आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी को भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आया रहेगा वही ओटीपी का आपको फिल कर देना। चलिए यहाँ पे ओटीपी को हम फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ओटीपी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको वेरीफाई कर ले। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओटीपी को फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करके वेरीफाई करिएगा तो आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे देखने को मिलता है क्रिएट एम पिन, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट योर एम पिन, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्किप भी कर सकते हैं या फिर क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से आपको एक एम पिन को क्रिएट कर लेना है। चलिए एम पिन को भी क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर से आपको वही एम पिन को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको क्रिएट एम पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, योर एम पिन हैज बीन सेव्ड, आपको यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अपना आप एम पिन टाइप किए रहेंगे वही एम पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए यहाँ पे एम पिन को टाइप कर लेते हैं, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड है यहाँ पे राशन कार्ड देखने को मिल जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस राशन कार्ड को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया, आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, राशन एंटिटलमेंट आप देख सकते हैं, राशन कार्ड ट्रैक माई राशन कार्ड यहाँ पे ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं, सेल रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, बेनिफिट आपको क्या क्या मिल रहा है गवर्नमेंट द्वारा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, राशन कार्ड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको ई केवाईसी कैसे करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर यहाँ आपको देखने को मिलेगा फैमिली मैनेज फैमिली डिटेल का एक ऑप्शन, आपको सबसे पहले तो आपको इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ को जितने भी मेंबर है सबका यहाँ पे वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड आधार ई केवाईसी जो है वो नॉट वेरीफाइड ही देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे कैसे अपना ई केवाईसी करना है, लेकिन हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि आपको अपना ई केवाईसी कर लेना है अपने घर बैठे ही, कैसे ऑनलाइन ई केवाईसी होगा चलिए उसके बारे में हम बात कर लेंगे। हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि आपका ई केवाईसी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिएगा आधार जो ई केवाई आधार केवाईसी है नॉट वेरीफाइड देखने को मिल रहा है। अब बहुत से भाई ऐसे हैं जो परेशान होंगे कि भाई हम तो ई केवाईसी तो करवा लिए हैं लेकिन मेरा नॉट वेरीफाइड देखने को मिल रहा है, अब हम क्या करें। तो चलिए क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है, अपने मोबाइल में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने बाद यहाँ आपको टाइप करना है, ठीक है। देख सकते हैं राशन कार्ड ई केवाईसी ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बस इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इसी वाले लिंक पर क्लिक करेगा यहाँ पर आपको पहला लिंक देखने का पब्लिक लॉगिन का आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जैसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे यहाँ आपको एक आईडी पासवर्ड को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, साइन इन
विथ लॉग इन आई डी। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन देखता है न्यू यूजर साइन अप हेयर का, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक नया पेज रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा, रजिस्टर न्यू यूजर का। तो जितना भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नेम और आधार कार्ड जो नाम है वही आपको यहाँ पे टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, लॉगिन आईडी को अपने मनपसंद का लॉगिन आईडी को क्रिएट करना है, चेक यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, पासवर्ड को क्रिएट करना है, वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करना है, आधार नंबर को टाइप करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है, ईमेल आईडी को टाइप करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा, तहसील को सिलेक्ट करिएगा, विलेज नेम को सिलेक्ट करिएगा, अपने एड्रेस फुल एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना है, अपने एरिया के पिन कोड को टाइप करना है, जो यहाँ पर देखते हैं कैप्चा कोड दिया हुआ वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, रिमार्क आपको कुछ लिख देना है, उसको छोड़ भी दीजिएगा, चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है, फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखते हैं सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट हो जाएगा, फिर से आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से आपको बैक करके दिखाते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर आना है, ऊपर आपको देखने में साइन इन विथ आधार ओटीपी, तो आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा कोड को टाइप करना है, जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नंबर को टाइप करके कैप्चा कोड फिल करके जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखते हैं ओटीपी सेंट टू योर मोबाइल नंबर लिंक विद प्रोवाइडेड आधार नंबर। ठीक है, आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी को यहाँ फिल करना है और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैप्चा कोड चेंज हो जाता है, कैप्चा कोड भी आपको फिल कर देना और यहाँ पे यूज ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यूज ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग इज इन प्रोग्रेस प्लीज वेट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है थ्री लाइन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको देखने में जाएगा थ्री लाइन, आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने में कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेट आरसी डिटेल देखने को मिल जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको गेट आरसी डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट आरसी डिटेल वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ आपको राशन कार्ड को सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड वाला ऑप्शन को ही सिलेक्ट करिएगा, आपको जो भी राशन कार्ड नंबर होगा यहाँ पे टाइप करना है, सर्च नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना कर लीजिएगा, इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड जो डिटेल है वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, राशन कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, किसके नाम पे हेड ऑफ फैमिली कौन है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को फैमिली मेंबर नेम, ठीक है, और यहाँ आपको मेंबर आईडी यानी कि राशन कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, मेंबर आईडी जो है वो देखने को मिल जाएगा, मेंबर का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर आपको थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करना है, साइड में इधर स्क्रॉल करेगा यहाँ आपको देखने को मिलता है मेंबर फैमिली मेंबर्स जो भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपको देखता है यू आईडी स्टेटस, स्टेटस जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यस आपको देखने को मिल गया, यानी कि अगर आप एक बार ई केवाईसी यानी कि फिंगरप्रिंट लगाकर अपना ई केवाईसी करवा लिए हैं तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐप के माध्यम से चेक कर रहे हैं वहाँ पर नॉट वेरीफाइड देखने को मिल रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा आपका ई केवाईसी जो यस अगर देखने को मिल रहा है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अगर आप एक बार अपने फिंगर को लगाकर अपना ई केवाईसी करवा लिए हैं तो आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको घबराने की जरूरत है, आपका ई केवाईसी हो चुका है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।